हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, एंड उसमें हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स को देखा था, जिसमें कि सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं एपिथेलियम को ही, जिसमें कि सेकेंड टाइप के एपिथेलियल टिश्यू, जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होते हैं, जो सेल्स के लेयर होते हैं वो टू आर मोर होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियम था उसमें सेल के सिंगल लेयर पाए जाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, देयर आर टू आर मोर नंबर ऑफ सेल लेयर। इसमें जो सेल के लेयर होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। डीपेस्ट लेयर रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इसके डीपेस्ट लेयर होता है, जो सबसे नीचे का लेयर होता है सेल का, वो रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, एंड इसका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ओके, और ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम की सबसे नीचे की लेयर, एंड इसके ऊपर और भी लेयर होंगे सेल्स के, क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम है तो इसमें मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। एंड फर्दर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम टू टाइप्स के होते हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड सेकेंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, डेस्मोसोम्स आर प्रेजेंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे आर अनस्ट्रेचेबल। तो डेस्मोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब हमने टिश्यू स्टार्ट किया था तो उसमें पार्ट वन जो है वहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यू का जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन को भी हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने डेस्मोसोम्स के बारे में बताया था। तो वही डेस्मोसोम है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड दे आर अनस्ट्रेचेबल। ये अनस्ट्रेचेबल होता है, अनस्ट्रेचेबल नहीं होता है। एंड टाइप्स देखते हैं, तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, एंड थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। तो स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट लाइक, जब सेल्स ऐसे फ्लैट लाइक होंगी, ऐसे चपटी होंगी, तो इसे कहा जाएगा स्क्वेमस। एंड क्यूबॉइडल में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो क्यूब लाइक होती हैं, तो इसे क्यूबॉइडल कहा जाएगा। एंड कॉल्यूमनार में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, ऐसे पिलर लाइक होती हैं, तो इसे कॉल्यूमनार कहा जाएगा। और ये जो नेम दिए गए हैं वो सेल के शेप के आधार पे ही दिए गए हैं। आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसमें क्या होता है, अपर मोस्ट सेल्स आर फ्लैट। यहाँ पे स्क्वेमस है तो समझ लीजिए ये इसमें जो सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे, और सारे लेयर में सेल फ्लैट नहीं होंगे, अपर मोस्ट जो अपर मोस्ट लेयर होगा सेल्स का वो फ्लैट होगा। और ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में कौन कौन से हैं, एक है केराटिनाइज्ड एंड सेकंड है नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड में क्या होता है, केराटिनाइज्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या सिंपल नहीं होगा, कंपाउंड होगा, सम सेल्स बिकम डेड। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन लिविंग। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है एंड ये नॉन लिविंग होती हैं, फिल्ड विथ हार्ड केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन। ये हार्ड केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन से फिल्ड होती है सेल्स, एंड आल्सो नोन एज हॉर्नी कार्निफाइड लेयर ऑफ एपिथेलियम। इसे एपिथेलियम का हॉर्नी कार्निफाइड लेयर भी कहा जाता है। और एग्जांपल की बात करें तो जो लिजार्ड और स्नेक के स्किन की इपिडर्मिस होती है उसमें ये पाया जाता है, और पक्षियों के फिदर में, और ये नेल्स में, हेयर में, हॉर्न में, हुप्स में, इन सभी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। और आप ये फिगर देख सकते हैं, ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो ऊपर की ये जो आपको डार्क लेयर दिख रही है ये केराटिन है, हार्ड केराटिन है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो कि चपटे हैं, फ्लैट हैं, टाइल लाइक हैं। एंड ये इसका इंटरमीडिएट का जो सेल्स का लेयर है, और ये लोवेस्ट सेल लेयर है, और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। आगे देखते हैं नॉन केराटिनाइज्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं केराटिन युक्त नहीं होती हैं, और ये लिविंग सेल होती हैं। जो केराटिनाइज्ड होती हैं वो डेड होती हैं, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड लिविंग सेल्स होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ओरल कैविटी में,
आपके जो मुख गुहा होते हैं उसमें पाई जाती हैं, लिप्स, चिक, हार्ड पैलेट, फेरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड, इसोफेगस और साथ ही साथ एनल कैनाल, वजाइना एंड सर्विक्स, इन सभी प्लेसेस पे पाई जाती हैं। एंड ये इसका फिगर है, थोड़ा बड़ा फिगर है, यह है नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथीलियम का फिगर, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये ऊपर की जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं, ये फ्लैट सेल हैं और स्क्वेमस हैं, एंड ये बीच के सेल्स के लेयर हैं और ये सबसे लोअर सेल लेयर हैं, ये वाली सबसे लोअर सेल लेयर हैं, और ये जो देख रहे हैं आप ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है। आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम, इसमें क्या होती हैं जो सेल्स की लेयर होती हैं मोर देन वन होती हैं, एंड जो अपर मोस्ट सेल्स होता है वो क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक होता है, अपर मोस्ट सेल्स क्यूब लाइक, जो सेल के लेयर का सबसे ऊपरी लेयर होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, घन के आकार के होते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये फ्रॉग के स्किन में, एपिग्लोटिस में एंड मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड में भी कहाँ, मेमरी एल्वियोलाई साइट एट विच मिल्क फॉर्म, मेमरी ग्लैंड में जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनता है, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी स्वेट एंड पैनक्रियाज, सेलिवरी डक्ट, स्वेट एंड पैनक्रियाज, इन सभी डक्ट में इस टाइप की इपिथीलियम पाई जाती हैं, साथ ही साथ फीमेल यूरेथ्रा में भी पाई जाती हैं। यह है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम, जिसमें कि सेल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल क्यूब जैसे हैं, क्यूब लाइक सेल हैं और मोर देन वन लेयर हैं, और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यह है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्यूबॉइडल इपिथीलियम। आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार इपिथीलियम, इसमें क्या होता है, अपर मोस्ट सेल्स आर पिलर लाइक, कॉल्यूमनार जहाँ वर्ड आया समझ लीजिए उसमें जो सेल्स होंगे वो पिलर लाइक होंगे, लंबे लंबे होंगे, और ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट मेमरी, मेमरी डक्ट, जिसे कि लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है, डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा ऑफ मेल, मेल की यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, इसमें भी इस टाइप का एपिथीलियम पाया जाता है। और ये फिगर है, आप देख सकते हैं ये फिगर है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथीलियम का, जिसमें कि जो अपर मोस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ये लोवेस्ट वाला, सबसे लोअर वाला सेल लेयर है और ये है अपर मोस्ट, तो जो अपर मोस्ट सेल के लेयर हैं वो देख रहे हैं इस टाइप के, थोड़े इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं, पिलर लाइक हैं, तो ये है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार। और ये जो आपको स्काई ब्लू दिख रहा है ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है। आगे देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम, तो जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती हैं ये स्ट्रेचेबल होती हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नॉन स्ट्रेचेबल होती हैं। इसमें इंटर डिजिटेशन प्रेजेंट होता है, ये भी हमने सेल जंक्शन में पढ़ाया था इंटर डिजिटेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है, जैसे ये एक सेल हो गया, ओके, ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, दो ये पास के सेल हो गए, तो नेबरिंग सेल हो गए, तो ये वाला जो सेल्स होगा वो अपने साइड के सेल्स में क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा अपने साइड वाले सेल्स में, अपने साइड वाले सेल्स के साइटोप्लाज्म में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, और इसे ही इंटर डिजिटेशन कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट, और इसकी एक खास बात है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऑन स्ट्रेचिंग इट बिकम्स यूनियन लेयर, और जब ये स्ट्रेच होता है, इस पर खिंचाव पड़ता है, तो ये यूनिलेयर हो जाता है। इट परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन, ये किसी भी ऑर्गन को फैलने में हेल्प करते हैं, उसको परमिट करते हैं फैलने को, डिस्टेंशन के लिए इसको किसी भी ऑर्गन को परमिट करते हैं। आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, इसे यूरोथेलियम भी कहा जाता है, एंड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, रिनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, तो इन सभी प्लेसेस पे ट्रांजिशनल इपिथीलियम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें खिंचाव सहन करने की क्षमता होती है,
और जैसा कि लिखा गया है कि ये स्ट्रेचेबल होती है, और ये इसका फिगर है ट्रांजिशनल एपिथिलियम का, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसकी खास बात है। यहाँ पे कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसकी लोअर लेयर ऑफ सेल्स है, ये अपर लेयर ऑफ सेल्स है। और जब इस पर खिंचाव पड़ता है, जब ये किसी भी ऑर्गन को डिस्टेंसर परमिट करता है, तो ये खुद यूनिलेयर हो जाता है, और इसमें किसी भी ऑर्गन को डिस्टेंशन में ये हेल्प करता है, और ये स्ट्रेचेबल होता है, किसी भी ऑर्गन को फैलने में ये हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये कंपाउंड एपिथीलियम को हमने पूरा कवर कर लिया है, और ग्लैंडुलर